वायनाड से कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल का अगला कदम क्या होगा। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो अगर राहुल गांधी कानूनी तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। राहुल गांधी के पास फिलहाल दो विकल्प हैं। पहला ये कि उन्हें सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ एक महीने के अंदर सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। इसके बाद कोर्ट के फैसले पर उनका भविष्य निर्भर करेगा। दूसरा विकल्प यह है कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। हालांकि उम्मीद कम है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहुल को इस मसले पर राहत मिल पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल पर दोष साबित हो चुका है। ऐसे में अगर राहुल को मानहानि केस में सजा से राहत मिले तभी वह अपनी सदस्यता बचाए रख सकते हैं। अगर राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट से राहत मिलती है तो वो जेल जाने से बच सकते हैं। अगर राहुल को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन पर 6 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो वह 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आज तक।